Hello guys, I'm here back again. Facebook, my page live. बड़े दिनों के बाद मौका मिला है आज लाइव आने का. सो फर्स्ट की भाई मतलब आज मैं जहाँ पर मेरी रेसलिंग एकेडमी है CWE, उस एकेडमी बैठा हूँ मैं. और ये आप देख सकते हैं CWE की एकेडमी, जो पूरे वर्ल्ड पे हमारे सबसे बेस्ट एकेडमी है. तो आजकल बहुत स्लो हुआ है काम, अगर देखा जाए जो कोविड करके पूरा वर्ल्ड हैंग हुआ है, और स्पेशली हमारा हिंदुस्तान स्पेशली, क्योंकि अगर देखिए ऑलमोस्ट बाकी कंट्रियों ने कवर कर लिया है, रिकवर हो गई है, वैक्सीन लग गई है, और हर कंट्री के पास साधन है. लेकिन हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही एक साधन से लेस है. जैसे आजकल देखते हैं आप हर रोज कि भाई ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आ रही है, हॉस्पिटल पे ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि आई थिंक सो हमारा हिंदुस्तान इसके लिए तैयार नहीं था. उन्हें सोचा था कि भाई हिंदुस्तान ने सोचा था शायद हो सकता है कि भाई अगर कुंभ का मेला लगाए तो शायद हो सकता कि ख़त्म होए, अगर हम इलेक्शन लड़े तो हो सकता कि ख़त्म होए. लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान को सख्त एक कदम उठाने पड़ेंगे. अगर ऐसे ही आप करते रहेंगे, हमारा हिंदुस्तान ऐसे करते रहेंगे, थैंक गॉड कि हमारे जो इलेक्शन ख़त्म हुए, इलेक्शन हमारे ख़त्म हुए, और आई होप कि अब सरकार थोड़ा ध्यान दे इस पे, कोविड पे, क्योंकि कोविड है जो बहुत ही वर्स हो गया है. अगर देखिए आप दिल्ली देखिए, महाराष्ट्र देखिए और यूपी देखिए, बस सिर्फ बातों से ये भगाना चाहते हैं कि भाई मतलब हमारे हिंदुस्तान पे कहीं भी मतलब सब ठीक ठाक है और कहीं भी ऐसा नहीं है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही एक हालत ख़राब है इस टाइम. सो हमारे को एक पूरे हिंदुस्तानियों को एक टीम होकर लड़ना पड़ेगा, तब जाके हम कोरोना को मार दे पाएंगे. अदरवाइज पूरा आउट ऑफ कंट्रोल है. सरकार के साथ एक मुंडे पे मुंडे मिला के खड़ा होना पड़ना है, और ताकि हम कोविड को, कोरोना को हरा सके. सो मैं दिखाऊंगा आपको कि जो हमारी रेसलिंग एकेडमी है, मैं चाहूंगा कि आप लोग ये हमारी जो आउट ऑफ साइड है, ये हमारी आउटसाइड है लोकेशन, तो दोस्तों अभी मेन मकसद क्या है हमारा कि भाई सब लोगों को, हमारे को एक टीम होकर लड़ना है, और एक थोड़ा सा अभी स्पोर्ट्स भी थोड़ा एक जैसे बोलते स्लो किया है,
कि कुछ दिन पे जैसे ही ये कोरोना ठीक होएगा फिर से एक बार मतलब जोरों शोरों से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस तो चल ही रही है अभी भी, पर लेकिन जो शो है, जो शो हमने बंद किए है कि भी ताकि किसी को एज ए इन्फेक्शन ना हो और सब लोग स्वस्थ रहे, सबसे पहले हमारे लिए सेफ्टी है। बाकी शो हम बाद में करेंगे, शो इज नॉट बिग डील। और लेकिन बहुत जल्दी हम फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे, जैसे ये थोड़ा कोरोना ठीक होएगा फिर से हम शुरू करेंगे अपने जितने भी मतलब हमारे इवेंट होते हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे। कि मैं नहीं चाहता अभी कि किसी को इन्फेक्शन होए, जो फेस्टिवल होए कोई कोरोना करके। सो कुछ दिनों पे हम फिर से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं सभी को बताना चाहूँगा कि भाई आप कहीं भी हो, चाहे आप किसी भी फील्ड पे हो, आप ज़रूर एक्सरसाइज करिए और अपने आप को फिट रखिए ताकि आप कोरोना से बचे रहे। और डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस ना होना, क्योंकि डिप्रेस की सबसे बड़ी बीमारी चल रही है आजकल का, स्पेशली जैसे कोरोना करके लोगों के पास कुछ है नहीं, घर पे बैठे हुए, और बहुत लोग डिप्रेस हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास था। सो कि हम चाहेंगे कि सब लोग एक स्वस्थ रहे, और सब लोग का एक फर्ज बनता है कि हिंदुस्तान पे सब लोग स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। सो जैसी भी किसी की हैसियत है, चाहे मतलब कोई फिजिकली स्पोर्ट्स कर सकता है, चाहे किसी को मोटिवेट कर सकता है, लेकिन सब ने स्पोर्ट्स करनी है और सब ने एक स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। सो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लाइव पे आएंगे। जय हिंद, जय भारत।